नमस्कार। जोश, जज्बे और जुनून का नाम है क्रिकेट। और जब क्रिकेट दो दिग्गज टीमों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा हो तो सीधे सीधे जोश, जुनून और इस जैसे तमाम इमोशंस कई गुना बढ़ जाते हैं, अपने उफान पर आ जाते हैं। हम आपको बता दें, एशिया कप में सबसे बड़ा मैच आज होने जा रहा है, आपसे ठीक एक घंटे बाद, दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट के पिच पर इस टक्कर की बनेगी गवाह। कौन मारेगा बाजी? हांगकांग को हराने के बाद क्या पाकिस्तान को भी पटक पाएगी टीम इंडिया? इस पर सबकी नजर। भारत में जीत के लिए दुआओं का दौर जारी है और ऐसे में आज के इस महामुकाबले के लिए, जिसको देखने के लिए पूरा देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के क्रिकेट फैंस चार्ज्ड अप हैं। हम आपको बता दें, एशिया कप में शाम 5 बजे अब से ठीक एक घंटे बाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान के आर्च राइवल्स के बीच टक्कर होने वाली है। और इस महामुकाबले की महा कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ऐप के चैनल ने हर बार की तरह कर रखे हैं बेहद खास इंतजाम। यह खास इंतजाम की बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। आपको बता दें, मुंबई से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे, कपिल देव, भारत के सफलतम क्रिकेट कप्तान में से एक, हरियाणा हरिकेन। कपिल देव आज अपने टिप्स के साथ मौजूद होंगे, बताएंगे हमें भारत की रणनीति क्या होने वाली है दुबई में, जहां सारा एक्शन होने वाला है। शोएब अख्तर अपने दौर के सबसे तेज गेंदबाज, खतरनाक गेंदबाज, रावलपिंडी एक्सप्रेस आज दुबई से हमारे साथ मौजूद होंगे। दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा है, भारत के साथ खेलना है, पाकिस्तान को ये गर्मी झेल पाएंगे या नहीं, ये सवाल होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, हमने एक खास स्टूडियो का इंतजाम भी कर रखा है, जहां से मेरी सहयोगी रोमाना मौजूद होंगी और उनके साथ फिर से क्रिकेट जगत के दो दिग्गज यानी कि सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और साथ ही साथ भारतीय टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल मौजूद होंगे। रोमाना का भी हम रुख करेंगे, यानी आपको बता दें, भारत, पाकिस्तान, दुबई, हर जगह जहां जहां एक्शन है, आज एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, देखिए मैच की गर्मी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा है, दुबई रेगिस्तान है, ऐसे में भारतीय टीम को मौसम से भी मुकाबला करना है। आमतौर पर दुबई में तापमान गर्म ही रहता है, रेगिस्तान होने की वजह से दुबई में गर्म हवाएं चलती हैं और उमस भी रहती है। आज भी सुबह 10 बजे दुबई का तापमान 37 डिग्री था और इस वक्त दुबई में 40 डिग्री तापमान हो रहा है। और हम आपको बता दें, ऐसे में ये जो तापमान बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंच जाए तो क्या टीम्स खुद को इसके लिए तैयार कर पाएंगी? ऐसे में भारतीय टीम के लिए हालात किस तरह के होंगे? कुंतल चक्रवर्ती की ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता की, दुबई से, ये रिपोर्ट ही आपको पसीने पसीने कर देगी। मैं अभी खड़ा हूं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। बहुत गर्मी है, 40 से ज्यादा टेम्परेचर है और इस मैच में चौके छक्के से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सिंगल्स और टूज, क्योंकि हर बॉल में चौका नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ सिंगल्स लेना कितना मुश्किल होगा, आपको बता दूं कि मान लीजिए यहाँ फील्डर्स सामने हैं और बल्लेबाज ऐसा खेला और ऐसे 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 भागा और सामने आ गया और फिर सिंगल्स होगा। और आपको बता दूं, मेरे साथी सुरेंद्र पहले से मेरे को मना कर रहा था कि ऐसा मत करो, और उन्होंने पानी भी रखा था, मुझे तो पानी मिल गया। लेकिन क्रिकेट में तो ऐसा नहीं होता, हर गेंद पे आपको पानी नहीं मिलता है, ड्रिंक्स ब्रेक सिर्फ 15 ओवर के बाद ही होता है। तो मामला बहुत मुश्किल है और बल्लेबाजों को हर गेंद में ऐसे सिंगल्स लेना, टूज लेना उनके लिए मुश्किल होगा। एक मुकाबला ऐसा होगा जहां बल्लेबाजों के लिए और फील्डर्स के लिए और गेंदबाजों के लिए भी खासकर 10 ओवर डालना मुश्किल होगा। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, दुबई। तो महसूस हो रही है ना गर्मी? अब आप सोचिए, इसी गर्मी में दुबई में जहां धरती जल रही है, भारत और पाकिस्तान को अब से तकरीबन एक घंटे बाद महामुकाबले में आमने सामने होना है। और हम आपको बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, मैं सीधे दुबई का ही रुख करना चाहूंगी, और दुबई में शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है। तो शोएब, एक तो जो कुदरत की गर्मी बरस रही है दुबई में, ऊपर से मुकाबले का प्रेशर, उसकी गर्मी पाकिस्तान के ऊपर, टीम तैयार लग रही है पाकिस्तान की आपको पूरी तरह? बिल्कुल तैयार है, वैसी तैयार है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में तैयार थी, जैसे आपको हमने 300 प्लस किया था वैसे ही खेलना चाह रहे हैं। जोक्स असाइड, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हिंदुस्तान बैक टू बैक दो मैचेस खेल चुका है, खेलने वाला है। कल भी बहुत गर्मी थी, रात को भी तकरीबन 35 डिग्री होता है और ह्यूमिड काफ़ी है। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली उनको अंदर डालेगा, उनको फील्ड कराएगा 50 ओवर, कोशिश करेगा कि अगर फ़ख्र ज़मान पहले 10-15 ओवर चल गए तो फिर बहुत बड़ा टोटल बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो सकता है और डिमोरलाइज कर सकता है हिंदुस्तान को 300 करके। और
अगर पाकिस्तान 260 और 270 के दरमियान भी रहता है तो आई थिंक पाकिस्तान के पास वो बैटरी है कि जो उसको काबू कर सके, लेकिन गर्मी रवाना सॉरी गर्मी बहुत है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल हेडर, यहाँ पे बैक टू बैक गेम खेलना हिंदुस्तान के लिए इज गोना बी बिट टायरिंग। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ सकता है जो गर्मी है, लेकिन कपिल देव मेरे साथ मौजूद है। कपिल, गर्मी दोनों टीमों के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि भारत की रणनीति क्या होगी ये देखते हुए कि वाकई में वहां सूरज आग उगल रहा है? देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, गर्मी तो लगेगी, और सारी उम्र ये स्विट्ज़रलैंड में तो खेले नहीं, ऐसी गर्मी में खेले हैं, शायद थोड़ा सा कठिन ज़रूर होगा, लेकिन मुकाबले की गर्मी ज़्यादा तेज़ होगी, और शायद ये देखना होगा गर्मी उनको लगेगी जो हारेंगे, जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करेंगे, बेहतर सोच पाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल पाएंगे। और मुझे लगता है कि गर्मी का बहाना नहीं, हाँ मुश्किल कंडीशन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्रोफेशनल हो और आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी दोनों टीमों को। जी बिल्कुल, और इसीलिए मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। और देखिए, भारत में तो यही सेंटिमेंट है, जीतेगा वही जीतेगा, अपना हिंदुस्तान जीतेगा। मुकाबले का सबको इंतजार है, हमने मिनी स्टेडियम भी बना रखा है खास आपके लिए। सीधे रोमाना का रुख करेंगे, वहां पर जनता मौजूद है, गौतम गंभीर और संदीप पाटिल मौजूद है। रोमाना, बताइए मिनी स्टेडियम का मूड क्या कह रहा है भारत पाकिस्तान के वहां मुकाबले को लेकर? शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से आप लगातार कह रही हैं आसमान से आग बरसेगी, मैदान पर आग बरसेगी, और गर्मी उसकी एबीपी न्यूज के इस क्रिकेट स्टूडियो में महसूस की जा रही है। जोश, जुनून, जज्बा किस तरीके का? जीतेगा भाई। क्यों जीतेगा इंडिया? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। क्यों जीतेगा? इंडिया के बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। क्यों जीत रहा है इंडिया? इंडिया के पास एक्सपीरियंस है। क्या होने वाला है आज? इंडिया जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ऑलराउंडर है बहुत अच्छे। और आपके पास कोई वजह इंडिया को जिताने? इंडिया के पास बहुत टीम स्पिरिट है। टीम स्पिरिट इंडिया के पास पांड्या है, हार्दिक पांड्या। ओए होए, कितने नाम, 11 के 11 ऐसे नाम जो टीम इंडिया को जिताने वाले हैं। संदीप पाटिल, गौतम गंभीर, टीम इंडिया जीतने वाली है ना जी, ये खिलाड़ी नहीं योद्धा है, क्योंकि सामने तो पाकिस्तान की टीम होगी। गौतम, आई होप सो, बट अगेन आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बिकॉज पाकिस्तान बहुत अनप्रडिक्टेबल टीम है। हमने जैसे पास्ट में देखा कि पाकिस्तान ही एक ऐसी टीम है जो अनथ गिवन डे किसी को भी हरा सकती है और किसी से भी हार सकती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को सबको हरा ही सकती है, वो किसी से भी हार सकती है, प्रॉब्ली वो यूएई से भी हार सकती है, हांगकांग से भी हार सकती है। बड़ी बात जो यहाँ पर गौतम गंभीर कह रहे हैं संदीप पाटिल, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे शोएब अख्तर किस तरीके से कह रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आप याद कर लीजिए, शायद समझ दे रहे हैं शोएब अख्तर की गर्मी में जब मार पड़ती है ना उसकी चोट बहुत ज्यादा दर्द देती है। संदीप, रोमाना, शोहेब दोस्त है हमारे और दोस्त रहेंगे, लेकिन जैसे गौतम ने कहा, कपिल ने कहा, देखिए मैच जो होती है, मैच शुरू होने से पहले तो हर भारतवासी यही चाहता है, मैं भी चाहता हूं, गौतम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारत की जीत हो, लेकिन कल जो मैच हुई थी, मेरे ख्याल से पिंगपोंग और किंगकोंग मैच को नाम दिया गया था, लेकिन जो पिंगपोंग ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया, इसे थोड़ी चिंता जरूर मन में हुई है, क्योंकि गर्मी को छोड़िए, यहाँ खेल की बात होनी चाहिए, और ये जो खेल शुरू होगा और जो खेल हमने देखा कल, पहले दो मैच की अगर बात करें, कि ऐसे नहीं, ऐसे लग रहा था कि जिस टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन जिस तरह से हांगकांग के टीम ने, हांगकांग के बल्लेबाजों ने पेस किया इनिंग को और नजदीक आए, उसे थोड़ी चिंता जरूर हुई। बिल्कुल, वो चिंता की बात है, लेकिन नया दिन, नया मुकाबला सामने पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान पर तो जीत हर हाल में जरूरी है ना, जरूरी है, पाकिस्तान पर जीत जरूरी है। ऐसे में गौतम गंभीर, आप ये बता दीजिए टॉस आज कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? आई डोंट थिंक सो, अगर आप कल का मैच देखिए तो इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी टॉस की, हाँ अनलेस एंड अनटिल की सेकंड इनिंग में अगर टेम्परेचर 30-35 डिग्रीज होता है, पहले अगर आप बॉलिंग डाल रहे हो तो 40-45 डिग्री होता है, तो बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अगर आप यही कोशिश करेंगे कि अगर आप टॉस जीते हैं तो पहले बैटिंग करें, बिकॉज आप अपने बॉलर्स को बेस्ट टाइम देना चाहते हैं कि जब वो बॉल डाल सके, अंडरलाइज बॉल स्विंग भी होता है थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली कंडीशंस बेटर हो जाते हैं बॉलिंग के लिए, और रिस्ट स्पिनर्स भी बहुत यूजफुल हो जाते हैं, बिकॉज रात को रिस्ट स्पिन पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आई एम श्योर अगर कोई भी टीम, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी, तो रोहित की किस्मत साथ देगी, टॉस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। संदीप पाटिल, नहीं देखिए, टॉस तो दोनों टीम के लिए अहम रहता ही है, लेकिन जो मैचेस हमने देखे हैं और खास करके कल की जो मैच हमने देखी है भारत और हांगकांग के बीच में, उसके बाद ये साफ हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि जो पहले बल्लेबाजी करता है उसका ही पलड़ा भारी रहता है, हमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और साथ में फील्डिंग भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर ये मुकाबला जीतना है तो जो टीम, जो खिलाड़ी
दबाव का सामना अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि पिछले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल हमने देखी, एक जो दबाव बन रहा था, और शोएब ने जैसे हमारे दोस्त ने बात की है कि वही होगा, वो नहीं होगा क्योंकि नहीं शुरुआत है। आप बात कर रहे हैं, आइए सीधे रुक कर लेते हैं। हाँ जी शोएब जी, आवाज मिल रही है ना सर? सर गर्मी की मार बहुत सख्त पड़ती है शोएब अख्तर साहब। जी जी बिल्कुल मिल रहे, बिल्कुल देखिए ये है कि हिंदुस्तान बैक टू बैक दो गेम खेल रहा है। देखिए किसी भी टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता इतनी हीट में, आप जितने मर्जी फिट हो। देखिए किसी भी टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए एडवांटेजेस पाकिस्तान को क्यों ज्यादा है, अंडर लाइट से खेल चुके हैं, अंडर लाइट से उनको खेलने का तजर्बा है। एडवांटेजेस पाकिस्तान को क्यों ज्यादा है, अंडर लाइट से खेल चुके हैं, अंडर लाइट से उनको खेलने का तजर्बा है। गौतम आ जाइए, बैक टू बैक हमारे साथ सहानुभूति जता रहे हैं। देखिए बैक टू बैक एक ही चीज है कि आपने इतने टफ ओपोनेंट के साथ नहीं खेला, यही अगर आपने श्रीलंका या बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला होता तो ऑब्वियसली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट आप हांगकांग के अगेंस्ट खेले हो, आपने पांच अपने ऐसे बॉलर्स खिलाए हैं जिसमें प्रॉब्ली आज आपके तीन ही खेलेंगे उनमें से। मुझे लगता है कि बुमराह वापस आएंगे और हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, तो आपने अपने दो मेन जो बॉलर थे उनको रेस्ट दिया था कल वाले मैच में, तो इसलिए इतना ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बट ऑब्वियसली फटीक आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा फर्क होगा कि आप एक अगर क्वालिटी ऑपोजिशन के साथ खेलते, क्वालिटी टीम के साथ खेलते तब शायद फर्क पड़ सकता था, बट आई डोंट थिंक सो कि हांगकांग के साथ इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से इंडिया खेली होगी। नहीं खेली होगी इतनी इंटेंसिटी से, वो प्लेइंग 11 भी देखकर लग रहा था। लेकिन क्या उस प्लेइंग 11 को एक वार्म अप मैच की तरह लेकर एक सेट प्लेइंग 11 उतारना चाहिए था ताकि आज पूरी तरीके से कसे हुए थे संदीप पाठक? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि जो प्रयोग कल किया था दो शार्दुल ठाकुर और खलील के साथ वो नाकाम रहा, लेकिन आज देखना होगा बुमराह और पंड्या की वापसी होती है कि नहीं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा रोमाना, जब तिरंगा सामने लगता दिखता है तो ये गर्मी बिर्मी सारे भूल जाते हैं सारे लोग। हमारी जो टीम है, हमारे जो खिलाड़ी है, ये तिरंगे के लिए देश के लिए खेलती है। बैक टू बैक मैचेस हो या साथ में चार भी मैचेस हो, जब मैदान में कदम रखता है खिलाड़ी हमारा तब ये सारी चीज़ें दूर हो जाती है। बिल्कुल साहब, जब तिरंगा लहराता है ना तो जिस तरीके से जोश और जज्बा दौड़ता है नसों के अंदर उसकी बात ही अलग है। हम सीधे रुक करते हैं, इस वक्त शोएब अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शोएब पहुंच रहे हैं ना इमरान खान आज पाकिस्तान को हारते हुए देखने के लिए? पहले भी मैं कह चुका था चैंपियंस ट्रॉफी में जब वीरेंद्र सहवाग बैठा था तो मैंने उसे भी पहले ही गुजारिशें की थी कि बड़ी बड़ी बातें मत किया करें, ये मैच खेलने दे। अच्छी टीम में अगर हिंदुस्तान अच्छा खेला हम बैठ के उनको शाबाश देंगे, अगर पाकिस्तान जीता आप हमको शाबाश देना, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देना फिर उसके बाद आप बिल्कुल नाराश हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं आप, ऐसे मत करिए ना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी टीम है, पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी टीम है, पाकिस्तान को एडवांटेज ज़्यादा हैं यहाँ पर विकेट में। कल हांगकांग ने 45 ओवर हिंदुस्तान को फील्ड करा दी, इट इज टायरिंग। मैं कल हिंदुस्तानी प्लेयरों से भी मिला हूँ, पाकिस्तानी प्लेयरों से भी मिला हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान मेरा ख्याल है पाकिस्तान कोशिश करेगा क्रूज थ्रू करने की कोशिश करेगा, पहले 15-20 ओवर डिमोरलाइज करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि फ़ख्र ज़मान की लगना शुरू होगी तो गौतम जानता है कि बहुत तेज़ी से शो होता है और फिर वहाँ से पाकिस्तान एक बेस सेट करके 300 पे जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के पास पूरा चांस है, बट आई एज अ पाकिस्तानी आई थिंक पाकिस्तान इज अ बेटर एडवांटेजेस टू विन दिस गेम। चलिए शोएब आप सजा लीजिए, आप सपने सजा लीजिए मुंगेरी लाल के, आप हसीन सपने देख लीजिए। लेकिन हमारा तो एबीपी न्यूज पर मोटो भी बहुत साफ है कि जो सोचा जो चाहा वो करके दिखाया, और आज तो टीम इंडिया यकीनन जीत कर ही दिखाएगी क्योंकि यहां पर एशिया कप में अब तक 11 मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं जिसमें से 5 पाकिस्तान ने जीते और 5 टीम इंडिया ने जीते हैं। आज मौका भारतीय टीम के पास है जीत का छक्का लगाने के। एबीपी न्यूज पर आप बने हुए लगातार हमारे साथ और देख रहे हैं एशिया कप का बिग बॉस। आपको बता दें अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट का महामुकाबला होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। अभी तमाम तरह की बातें की गई लेकिन भारत में एक ही सेंटिमेंट है कि ऑन पेपर भी देखा जाए और अदरवाइज भी देखा जाए तो भारत की टीम बहुत ही दमदार, और हांगकांग को हराने के बाद आज क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को पीटने की तैयारी में। लेकिन प्लेइंग 11 भारत का क्या होने जा रहा है आज, किस तरह के बदलाव होंगे, दुबई से एबीपी न्यूज संवाददाता जीएस विवेक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
अगर हम बात करें टीम इंडिया के फटीक फैक्टर की, क्योंकि सिर्फ 17 घंटे का समय ही टीम इंडिया को मिला है हांगकांग मुकाबले के बाद आज पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए, और कल रात भर पूरा सपोर्ट स्टाफ टीम इंडिया ने प्लेयर्स पर काम किया है, कोशिश ये करी है कि वो सबसे ज़्यादा फ्रेश रहें। और वहीं टीम इंडिया ने अपनी रणनीति के तहत केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या तीनों को ही आराम दिया गया था ताकि वो इस महामुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। और आज की टीम में ये तीन बड़े बदलाव होंगे, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद जिन्होंने 3 विकेट जरूर लिए अपने डेब्यू पे, वो भी बाहर बैठेंगे। और उम्मीद यही है कि केएल राहुल दिनेश कार्तिक की जगह प्लेइंग 11 में आएंगे, और फिर केएल राहुल नंबर 3 पर खेलेंगे और अंबाइटी रायडू जिन्होंने कल नंबर 3 पर खेले थे वो बैटिंग में नंबर 4 पर उतर के आएंगे। तो टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो सबको यही उम्मीद, फेवरेट्स अभी भी टीम इंडिया है, भले ही टीम इंडिया ने हांगकांग के खिलाफ काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम में बदलाव होने के साथ एक फ्रेश टीम इंडिया है। रणनीति के तहत टीम इंडिया को पहले से ही पता था कि यहां पर उन्हें 2 बैक-टू-बैक मैचेस खेलने हैं और इसीलिए उन्होंने अपने 3 अहम खिलाड़ियों को भी आराम दिया गया था। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ जीएस विवेक, दुबई। तो अब से आधे घंटे बाद भारत और पाकिस्तान का दुबई में महामुकाबला क्रिकेट के मैदान पर होने जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे पस्त करेगा हिंदुस्तान, इस पर आज हम सबकी नजर है। और एबीपी न्यूज पर महामुकाबले से पहले महाकवरेज आप देख रहे हैं लगातार, जहां मुंबई से मेरे साथ लगातार कपिल देव बने हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कैसे दुबई से शोएब अख्तर हमारे साथ हैं, जो ये उम्मीद और सपने सजा रहे हैं कि आज पाकिस्तान की जीत होगी, लेकिन देश के भीतर जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। और एक मिनी स्टेडियम भी हमने खास तौर पर बना रखा है जहां गौतम गंभीर और संदीप पाटिल मेरी सहयोगी रोमाना के साथ मौजूद है। यानी हर तरफ क्रिकेट का जोश, जज्बा, जुनून और बहुत सारा रंग। और उसके बीच दुबई में हमने आपको दिखाया कितनी गर्मी पड़ रही है, मैच का कितना दबाव है, लेकिन इसके बीच दुबई में भारत पाकिस्तान के फैंस के बीच कैसे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, आइए देखते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट का सुपरहिट मुकाबला और करीब 1.5 अरब लोग ये मैच देखने के लिए बेताब हैं। और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के खेल पत्रकार बिस्मा अहमद। बिस्मा, टाकरा तो शुरू करेंगे लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप चाय पीती हो? जी हम चाय सारे पूरा पाकिस्तान बहुत शौक से पीता है। तो कहाँ का चाय फेमस है पाकिस्तान में, कौन सी जगह? पाकिस्तान में कराची का चाय भी फेमस है, लाहौर का चाय भी फेमस है, पेशावर का भी चाय फेमस है, कावा फेमस है। मुंबई में जो चाय होता है वो मतलब बहुत कड़क है, कटिंग चाय कहते हैं। और यहाँ भी शर्मा जी का कटिंग चाय, तो पीने के लिए तैयार रहना होगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। बिल्कुल रहना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान के टाकरे को। उसके बारे में आप बताइए, चाय बिरयानियों को भूल जाइए, प्लेयर्स पे आ जाते हैं मुद्दे पे। आपके स्टेट में अलग अलग तरीके का बिरयानी बनता है, बंगाल में अलग, लखनऊ में अलग। आप तो कह रहे हैं कि कराची के बिरयानी, वहाँ तो हर स्टेट में अलग अलग तरह के बिरयानी बनते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कराची की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सिंधी बिरयानी बहुत स्पाइसी होती है, तीखी होती है और खाने वाले को मज़ा आ जाता है। लेकिन भारतीय जो लोग हैं उनका अंदाज ही अलग है और वो तो हर खाने में अपना वो थोड़ा मिठास तो मिला ही देते हैं, तो यहाँ तो वैसा ही होगा, तीखा कुछ नहीं दिखेगा। अब जो पिटाई होगा रोहित शर्मा, शिखर धवन, आपको पता है कि मोहम्मद आमिर का क्या होने वाला है? आपको पता है कि हमारे पास मोहम्मद आमिर के साथ साथ एक जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है। हसन अली ने तो आप लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी में काफी कुछ याद दिला दिया था, तो वो भी अभी भी नंबर 3 पे है, नंबर 3 ओडीआई रैंकिंग्स में है। जब से उन्होंने कहा कि वो 10 विकेट लेने। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, यानी टॉस का बॉस इस मैच में पाकिस्तान बन गया है। सीधे कपिल देव का रुख करना चाहूंगी। कपिल, ये भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, 42 डिग्री तापमान दुबई में है, हाल बुरा हो जाएगा भारतीय गेंदबाजों का? कोई बात नहीं, होगा तो होगा। अब मैच खेलने आए हैं कि आप ये नहीं चाहते कि आप मखमल पे जाके सोएंगे, ये कड़ा मुकाबला है, मुश्किल है, आसान नहीं है। और उसके लिए मुश्किल का रास्ता जो होता है, अगर वो सफ़र सही तरह निकला जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये कहेंगे कि हाँ, थोड़ा बहुत कप्तान, हर कप्तान चाहता है कि वो टॉस जीते, उसका एडवांटेज लें, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, सीरीज जीतनी है, तो फिर आपको इस टॉस की परवाह नहीं करनी चाहिए। मंजिल बड़ी बात आप कह रहे हैं कपिल की, अगर अच्छे से गेंदबाज अपनी धार लगाते हैं भारतीय गेंदबाज, तो टॉस हारना भी भारी नहीं पड़ेगा। इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं, मिनी स्टेडियम चलते हैं रोमाना के पास। बिल्कुल, देखिए नेहा, यहाँ पर जो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि टॉस भले ही पाकिस्तान ने जीत लिया हो, लेकिन मैच कौन जीतने वाला है आज का? इंडिया, इंडिया, इंडिया,
एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और मानकर बैठे हुए हैं यहाँ पर जो लोग हमारे इस मिनी स्टेडियम में हमारे साथ मौजूद हैं। टॉस कोई भी जीते हमें उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैच तो हम ही को जीतना है और ऐसे में गौतम गंभीर अब यहाँ से स्ट्रैटेजी हमारी क्या होने वाली है? देखिए सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, अगर आप टॉस हारे और आप पहले बॉलिंग डाल रहे हैं तो आप यही कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन को जितने कम से ज्यादा कम रन पे रोका जाए उतना बेटर होता है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आपने 300-350 रन पड़वा दिए तो किसी भी विकेट पे किसी भी कंडीशन में मुश्किल हो जाता है। तो आई एम श्योर कि इंडियन बॉलर्स और स्पेशली अगर आज बुमराह खेल रहे हैं और अगर हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों फ्रेश होंगे, बिकॉज इतना ज्यादा आपको फटीक फैक्टर होगा नहीं। बिल्कुल, तो नई गेंद किसके हाथ में थमाएंगे, जोड़ी कौन सी होगी वो, और पहले 10 ओवर कितने महत्वपूर्ण रहने वाले? मैं रोमाना पहले 10 ही नहीं पूरे 50 ओवर महत्वपूर्ण रहने वाले और खास करके आपको रोक दूं यहाँ पर, एक बड़ी जानकारी है सामने निकल कर आ रही है कि केएल राहुल को टीम में जगह नहीं दी गई है। केएल राहुल टीम में नहीं है, जैसा कि माना जा रहा था कि बल्लेबाजों का जो क्रम है उसमें तब्दीली की जाएगी, केएल राहुल को लाया जाएगा और केएल राहुल को नंबर 3 पोजीशन पर लाया जाएगा, दिनेश कार्तिक को बाहर कर दिया जाएगा। अंबाती रायडू जिन्होंने कल हांगकांग के खिलाफ नंबर 3 पर बढ़िया प्रदर्शन किया था, फिर उनका नंबर खिसकेगा, उन्हें 4th नंबर पर कर दिया जाएगा। फिलहाल खबर यह सामने आ रही है कि केएल राहुल प्लेइंग 11 में नहीं है। जी संदीप जी, देखिए नहीं है या है ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा ये निर्णय सही या नहीं। मैं जो बात कर रहा था कि जब आप को विकेट से मदद नहीं मिलती, हमारी पहली गेंदबाजी होने वाली, कल में हमने देखा कि थोड़ी वेरिएशन की जरूरत थी, जितना तेज यहां पे गेंद करे उतना आसान होता है बल्लेबाजों को मारने के लिए। ये बात बहुत अहम है और खास करके चैंपियन ट्रॉफी का वो नो बॉल बुमराह ने जो नो बॉल किया था, बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा और जब विकेट से मदद नहीं मिलती है तब मदद दिमाग से लेनी पड़ेगी, जो अनुभव हमारे गेंदबाजों के पास है उसको उपयोग में लाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो संदीप पाठी कह रहे हैं, देखिए ना विकेट से मदद मिलेगी और ऊपर से मौसम जो है वो और मुश्किलें बढ़ाने वाला है। टॉस पाकिस्तान जीत गया, उसने हमें कहा है कि जी हम तो बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप अपने गेंदबाजों को अब दौड़ाओ मैदान। अल्टीमेटली टॉस आपके हाथ में तो है नहीं, जब आप टॉस ही एक ऐसी चीज है पूरी गेम में कि जो आपके हाथ में नहीं रहता, और आपके बॉलर्स हो या चाहे बैट्समैन हो वो दोनों किसी भी चीज के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके ओपनर्स और नंबर 3 के लिए। आपकी बैटिंग भी पहले आ सकती है, आपकी बॉलिंग भी पहले आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई बड़ा फैक्टर है कि अगर हम टॉस हार गए तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हार गए। आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको 100 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और मुझे लगता है क्योंकि पहले टीम इंडिया जो है वो गेंदबाजी कर रही है, ऐसे में हमने तेज गेंदबाजों की तो बात कर ली और साथ ही युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, खासतौर से कुलदीप यादव, क्योंकि चाइनामैन जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको यही एक्स फैक्टर साबित हो सकता है आज टीम इंडिया के लिए? देखिए इंडिया के लिए एक्स फैक्टर हमेशा जसप्रीत बुमराह ही है, चाहे वो तीनों फॉर्मेट लो, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट ले लो, चाहे आप वनडे क्रिकेट ले लो या आप T20 ले लो, बिकॉज जसप्रीत बुमराह से अच्छा एट द मोमेंट फास्ट बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में ही अमंग द टॉप 5, चाहे वो मिचेल स्टार्क या बाकी जो डेल स्टेन वगैरह की कैटेगरी में आते हैं। तो आई एम श्योर स्पिन इतनी ऑब्वियसली विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाती, बिकॉज वो भी स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। तो आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का अब से कुछ मिनटों बाद जो महामुकाबला दुबई में एशिया कप में होने जा रहा है उस पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, टॉस पाकिस्तान के नाम रहा है, पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और आपको बता दें भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज भारत की टीम में वापसी कर रहे हैं। प्लेइंग 11 आप अपने सामने देख रहे हैं, भारत की जो टीम है रोहित शर्मा, शिखर धवन, मनीष पांडे, अंबाटी रायडू, MS धोनी, केदार जाधव और जैसा हम आपको बता रहे हैं गेंदबाजों में, क्योंकि भारत की गेंदबाजी परखी जाएगी अब पहली बार, हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह वापस आ रहे हैं, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। मिनी स्टेडियम आपको लेकर चलते हैं रोमाना के पास। जी देखिए, ठीक है, जल्दी से हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। देखिए टीम इंडिया एशिया का बिग बॉस बनने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, पाकिस्तान के साथ आज महामुकाबला होने वाला है और ऐसे में सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि जिस तरीके से बदलाव सिर्फ 2 किए गए टीम इंडिया के अंदर, ये सही लग रही है आपको स्ट्रैटेजी? आई थिंक जो रिपोर्ट आई है उसमें तो मनीष पांडे भी खेल रहे हैं। जी अगर मनीष पांडे, मुझे लगता है कि वो फिर 3 चेंजेस हो गए ना आपके, हार्दिक पांडे, मनीष पांडे और जसप्रीत बुमराह। सही, तो अगर अगेन मुझे लगता है अगर आपने मनीष पांडे इस गेम में खिलाया इससे बेटर ऑप्शन आपके पास KL राहुल थी, बिकॉज दिस इज नॉट योर बेस्ट बैटिंग लाइनअप। एक खिलाड़ी जो 100 बना के इंग्लैंड की कंडीशंस में आ रहे हैं
अगर आप उसको अब मौका नहीं देते तो आप उसको कब मौका देंगे? अगर आप सेम बैटिंग लाइनअप के साथ गए होते देन इट वुड बीन, आई थिंक दैट वुड बीन फाइन, बट अगर आपने मनीष पांडे खिलाया दिनेश कार्तिक की जगह, आई थिंक केएल राहुल वुड बीन अ बेटर ऑप्शन। संदीप जी देखिए, ऑप्शन सही है कि गलत है जैसे पहले मैंने कहा, ये मैच के बाद पता चलेगा। अभी जो चयन हुआ है, हम आशा करते हैं कि जिसको लिया है, जिसको बाहर किया है, ये सही निर्णय है। लेकिन मुझे लगता है कि कल के मैच में जो तड़के की कमी थी, जिस तड़के की कमी थी, वो तड़का आज नजर आ रहा है, खास करके बुमराह के आने से टीम में। हाँ, लेकिन केएल राहुल को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर गौतम गंभीर कह रहे हैं कि वहां पर बल्लेबाजों के चयन में, प्लेइंग 11 में क्या चूक गए कप्तान? देखिए, चूक गए या नहीं ये मैच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो फॉर्म होता है क्रिकेटर का वो बहुत अहमियत रखता है। क्रिकेटर फॉर्म में रहना, ऐसा कहना गलत होगा कि पांडे ने रन नहीं बनाए, मनीष पांडे ने अभी जो इंडिया ए की जो टूर्नामेंट है उसमें काफ़ी रन बनाए हैं, लेकिन ये नया टूर्नामेंट है और हम चाहते हैं कि अगर उनको मौका दिया है तो उस मौके का वो अच्छा फ़ायदा उठाए। तो आपको यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कप्तान की? देखिए, ऑब्वियसली आपने अपनी बैटिंग लाइनअप को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। अगर आप कल देखें जो टीम कल खेली थी उसमें सिर्फ 6 बैट्समैन खेले थे और 5 प्योर बॉलर खेले थे। आज अगर आप देखें आपके पास 6 प्योर बैट्समैन है, उसके बाद हार्दिक पांडे आपके ऑलराउंडर हैं, प्लस आपके 4 बॉलर, तो आपकी बैटिंग और ज़्यादा लंबी हो गई है। और तो जैसे कुल मैंने मिलाकर टीम इंडिया, यही मैं निकलवाना चाह रही थी आपसे, कुल मिलाकर भारत ये समझ रहा है ना कि ये जो पूरी लड़ाई है वो भारतीय बल्लेबाजों वर्सेस पाकिस्तान के गेंदबाजों के बीच होने वाली है, यही है ना मुकाबले का मिजाज, यही सेट कर रहा है प्लेइंग 11 भी हमारा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए किसी भी टीम को अगर जीतना होता है तो ना सिर्फ बल्लेबाजी के ऊपर आप निर्भर रहना चाहिए, आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी और साथ में फील्डिंग भी आपको अच्छी करनी पड़ती है, तभी आपकी विजय होती है। और जैसे हमने देखा है कि जिस तरह का प्रदर्शन दोनों टीमों का रहा है, दोनों टीमें अच्छी है, मुझे लगता है कि बराबर का मुकाबला मेरे हिसाब से मैच शुरू होने से पहले लग रहा है और आशा करते हैं कि ये जो निर्णय लिया है वो सही साबित हो। बिल्कुल, चलिए सीधे दर्शकों को हम जरा दुबई लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त शोएब अख्तर मौजूद है। ठीक है, जरा जल्दी से, जोश बहुत जरूरी है, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए आप, शोएब अख्तर, जोश किस तरीके का है भारत में, ये आप भी सुन रहे होंगे सर, और भारत से कहा यही जा रहा है कि चलिए अच्छा हुआ कुछ तो जीत गया पाकिस्तान, टॉस भले ही जीता हो सर, मुकाबला भारत जीतने वाला है। शोएब चलो देखना बाकी है कौन जीतता है क्या होता है, लेकिन विश दम बेस्ट ऑफ लक टू यू हिंदुस्तान, विश दम बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। लेकिन थोड़ा डिमोरलाइजिंग था कि टॉस जीतना यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कि विकेट बहुत आसान है, विकेट टेयर वेर एंड टेयर इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे रन ज़्यादा बन सकते हैं, पाकिस्तान कोशिश करेगा 270 प्लस रन करने की कोशिश करेगा ताकि डिमोरलाइज करे हिंदुस्तान को। लेकिन बहुत लार्ज नंबर ऑफ हिंदुस्तानी यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़ा एक सेक्शन जो है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों से भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, गर्मी की वजह से लोग घबरा नहीं रहे, बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं टीम्स को, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि यहां पे एक कांटेदार मैच होना चाहिए, वन साइडेड या कोई ऐसा वैसा बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अल्टीमेटली यहां पे एडवांटेजेस, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान को ज़्यादा हैं। पाकिस्तान अगर 15 से 20 ओवर तेज खेलता है और विकेटें नहीं गंवाता और मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा म्यूजिकल चेयर बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि केएल राहुल को कहाँ खिलाना है, धोनी को कहाँ लेके आना है, अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हुए तो आपका मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर पड़ सकता है। तो वेयर एज पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो सेटल है 2-3 साल से, और बस हमारी ओपनिंग स्टैंड लंबे रन कर दे, वही हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन लेट्स सी, मैच बहुत कांटेदार होने जा रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत गर्मी है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी व्हाट हैपेंस। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।